मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी पर अपशब्द को लेकर सीएम ने बीजेपी पर साधा निशान, कहा अभी तक बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया, इस पर बीजेपी क्यों मौन है, कहा यह धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारे का है, गुरु घासीदास की धरती है जहां उत्तेजक बातें अहिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की बातें कही जाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, प्रशासन की ओर से जितने कड़े से कड़ा कदम हो सकता है उठाया जाए, प्रशासन की ओर से जितने कड़े से कड़े कदम हो सकता है उठाया जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, FIR दर्ज हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का माहौल छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाए, और तो और रमन सिंह अपने वार्ड में बुरी तरह हार गए, विजय बघेल जी अपने गांव में बुरी तरह हार गए, तो अपने गांव अपने वार्ड नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे पर आप जहर नहीं घोल सकते। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है, गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है, ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती, और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्ममंच है, और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने जो कदम उठाए हैं बिल्कुल स्वागत योग्य है, और ये धर्ममंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म इस प्रकार से बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे।